खेड मंत्री गुरमीत सिंह मीतहेयर का एक बयान सामने आया है, जिस दे विच उन्हां दा कहना है कि सूबे नूं फिर तो खेडां दे विच सब तो अगे बनाउण दे लई हर एक पहलकदमी कर रहे ने। उन्हां दा कहना है कि पंजाब सरकार दे वल्लों हर संभव कोशिश कीती जा रही है। दरअसल कैबिनेट मंत्री ने दसूहा दे पिंड खेड़ा कोटली दे विच बने मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स पार्क का उद्घाटन किया, जिस मौके उन्होंने यह बयान दिता। इस मौके उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच खेड संस्कृति नूं होर वधाउण दे लई ओह हर एक उपराले कर रहे ने। इस मौके उन्होंने यह भी कहना है कि पिंडां दे विच मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स पार्क खोले जा रहे हैं, ताजो नौजवान बच्चे ते महिलावां दे नाल नाल बजुर्ग भी इत्थे आके सारियां सुविधावां लै सकन। ब्यूरो रिपोर्ट, अज दी आवाज। देखो, मैं MLA साहब नूं बहुत वधाई दिंदा, घुमन साहब नूं। इन्हां ने बहुत वड्डी हिम्मत कीती है कि इस तरह का खूबसूरत जिहड़ा पार्क है वह जिहड़ा खेड़ा कोटली पिंड है उत्थे जिहड़ा तैयार किया। मेरे याद है घुमन साहब, मैं लगता 6 महीने की गल होनी है, 8 महीने जदों मैं पहला इहदा नींह पत्थर जिहड़ा इस पार्क का जदों इन्हां ने रखिया सी, मैं उदों आया सीगा। तो 8 महीनों तुम देखो जी, 8 महीने पहला इतने उदों मैं लगता आए होंगे मीडिया वाले साथी, तो उदों इतने की हालात सी ते अज इतने की ने, है ना। एक कह लो भी बहुत ये देख के लगता ही नहीं भी तुम किसी पिंड दे विच घूम रहे हो। देखो उधर बास्केटबॉल का ग्राउंड अलग है, वॉलीबॉल का अलग है, बैडमिंटन का अलग है, शानदार पार्क बनाया हुआ। तुम देखो कि अच्छा ग्रासी ग्राउंड, जोड़ा फुटबॉल का जोड़ा बनाया गया, उस पर जिम लगाई गई है, मतलब कि बहुत अच्छा जिहड़ा उपराला विधायक साहब ने MLA साहब ने किया। ये मैं लगता भी जिथे बच्चों पार्क मिले, बजुर्गों सैर करने जिहड़ा ट्रैक मिले, उत्थे जिहड़े खिडारी, क्योंकि इत्थे अज बास्केटबॉल का भी मैच हो रहा, उन्होंने ग्राउंड भी मिले। सो इस तरह के जिहड़े ग्राउंड ने, असीं तां कहना भी सारे पिंडां दे विच जिहड़े बनने चाहिए। सो सारे ये साडी सरकार दी तरजीह भी है कि पिंड पिंड जिहड़े आ ग्राउंड जिहड़े आ उह बन। सो मैं MLA साहब नूं जिहड़ी बहुत वधाई, जिहड़ी बहुत मुबारकबाद दिंदा, ते आउण वाले समें च भी साडी सरकार दी भगवंत मान जी दी गवाही च इह कोशिश है कि हर पिंड दे विच, ठीक है किसी पिंड कोले ज्यादा जमीन है, किसी कोल घट है, जे घट जमीन आ तां उत्थे कल्ला बास्केटबॉल का बन जाए, जे होर घट तां उत्थे कल्ला वॉलीबॉल का बन जाए, पर हर पिंड असीं कोशिश करांगे कि जिन्नी कु भी जमीन आ उत्थे जिहड़े ग्राउंड ने जिहड़े उह बन सकन। आ तुसीं देखो भी MLA साहब ने 10 ग्राउंड आपके हल्के जिहड़े आ उह शुरू कर रखे, हजे साल एक होया, है ना। कई मैं MLA साहब नाल गल हुंदी रहिंदी, किसी हल्के च 20, किसी हल्के च 30, मतलब कि भी पहली बार होगा कि किसी सरकार दे पहले साल दे विच, जिहदे असीं होर कहणा भी असीं भाई बड़े वादे पहले साल च पूरे किए, असीं बिजली दित्ती 600 यूनिट, असीं 30,000 नौकरियां दित्तियां, उत्थे ग्राउंड्स वाल भी जे तुसीं पूरे पंजाब च एक निगाह मार के देखो तां बड़े ऐसे हल्के आ जिथे 20-30 ग्राउंड ऑलरेडी जां बन चुके आ जां उहनां दा काम आ जिहड़ा उह चल रिहा। ते 5 सालां दे अंदर साडी कोशिश होगी कि पंजाब दे हर पिंड नूं जिहड़ा इक ग्राउंड आ असीं उह दे सकीए। मंत्री साहब, कटारूचक मामले विच SC कमीशन वल्लों 3 नोटिस, 3 नोटिस भी जारी कर दिता गया, की अज तक की जवाब क्यों दिता गया? देखो जी, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो SIT बनी हुई हैगी। सर, अमृतपाल जिहड़े रेट रखे आ रेता दा, पर जिहड़ा माफिया है, भू माफिया है, उहदे विच इनवॉल्वड आ, उहदे बारे की कहना चाहुंगे? साडे वल्लों जिहड़ा रेट है उह 5.5 रुपए है। भू माफिया मैनूं तां पता नहीं भी भाई किहड़े सी भू माफी दी गल करदे हो तुसीं, इहनां ट्रैक्टर ट्राली लै के चलो, जो थोड़े तों कोई 5.5 रुपए तों वध कोई चार्ज करदा है, ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਆਪਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮਾਊਸਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਲੇਬਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਰ ਮੰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਰ ਮੰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਐਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੱਡਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੱਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਟੇਪਰ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਜੇਸੀਬੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵੀ 5.5 ਰੁਪਏ ਸੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਟੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ 5.5 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੂ।